क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सभी को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इन्हें प्रूव किया जाएगा। तो वन बाय वन देखते हैं किस तरह से इन्हें प्रूव किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट से शुरू करते हैं, जिसमें हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसे प्रूव किया जाएगा। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल। हम इसका विरोध बिल्कुल अपोजिट अज्यूम कर लेंगे कि ये 1/√2 जो है वो है रैशनल। इफ इट इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल्स टू ए बाई बी। कोई भी रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए बाई बी, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो और ए और बी हमारे यहाँ पर क्या क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम है, जिनका मतलब वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, मतलब टू को उधर लेके जाएंगे, बी को इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बी को वन में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बी वन में मल्टीप्लाई होगा तो बी हो जाएगा और इक्वल्स टू रूट टू ए। ठीक है, अब हमें मतलब यहाँ से क्या करना है, रूट टू की वैल्यू निकालनी है। तो रूट टू की वैल्यू निकालेंगे तो ए को लेके जाएंगे दूसरी साइड में, तो इधर ए मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो रूट टू इक्वल्स टू बी बाई ए। ठीक है, ये हो जाएगा बी बाई ए, रूट टू इक्वल्स टू बी बाई ए। और बी बाई ए हमारा क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल। तो हम कह सकते हैं कि बी बाई ए इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये हमारा किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। देन अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो देन इट इज रैशनल। तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, ये तो हो गया रैशनल, बी बाई ए हमारा रैशनल। बट हम थ्योरम 1.4 में रूट टू को प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो बट रूट टू इज इरेशनल, रूट टू जो है हमारा वो क्या है, इरेशनल है। तो कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये विरोधाभास है। ठीक है, सो तो हम कह सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो भी ये विरोधाभास हमें नजर आ रहा है क्वेश्चन में, कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो भी विरोधाभास नजर आ रहा है ये किस वजह से, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से। अगर हमने ये अजम्पशन जो है हमारा, हमने लेट किया था, अज्यूम किया था कि 1/√2 जो है रैशनल है, अगर ये गलत है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट वन बाई रूट टू अगर रैशनल नहीं है तो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आ जाता है, जिसमें हमें 7/5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम मेथड, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 7/5 इज रैशनल। इसका अपोजिट लेट कर लेंगे हम कि 7/5 क्या है, रैशनल है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 7/5 इक्वल्स टू ए बाई बी, ए बाई बी की फॉर्म में हो सकता है ये। ठीक है, और ए और बी हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसे करेंगे रीअरेंज, 7 मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 7 यहाँ पर √5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड में जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू ए अपॉन में 7b। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मतलब हम पहले √5 को तो हम इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, और ये किस फॉर्म में है, a बाई बी, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, रैशनल, और ये है इरेशनल। तो कोई भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि a अपॉन में 7b
इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, देन इट इज रैशनल। अगर कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, रैशनल, ठीक है। बट वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल। लेकिन हमें पता है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि रूट फाइव जो होता है वो इरेशनल होता है। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो ये जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास नजर आ रहा है कि कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल है, तो ये किस वजह से है, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत अजम्पशन लिया है। 7√5 को रैशनल एज्यूम किया था हमने, तो ये हमने गलत एज्यूम किया। अगर ये गलत एज्यूम किया है तो हम कह सकते हैं कि 7√5 अगर वो गलत था तो ये 7√5 क्या होगा, 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कह रहा है 6√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो सेम मेथड, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 6√5 इज रैशनल। इसे अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 6√5 इक्वल्स टू ए बाई बी, ठीक है। और ए और बी हमारे क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर है, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। इसे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने में हम क्या करेंगे, रूट फाइव की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो रूट फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 6 इस तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस में 6, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इस साइड में, एलसीएम लेने पर हमारी इक्वेशन आएगी रूट फाइव इक्वल्स टू ए माइनस 6b अपॉन में बी, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से दिख रहा है, ऊपर मतलब ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहा है, p बाई क्यू की फॉर्म में, और रूट फाइव है रैशनल, ये है रैशनल। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस 6b अपॉन में बी इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू में। अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो देन इट इज रैशनल। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल, ये रैशनल हो गया, लेकिन वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल, बट वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल। हमें पता है कि रूट फाइव जो है वो इरेशनल होता है, ये रैशनल है, ये इरेशनल, तो कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं होता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी ये विरोधाभास आ रहा है हमारी इस इक्वेशन में, ये किस वजह से आ रहा है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। ये जो विरोधाभास हमें नजर आ रहा है, ये किस वजह से है, क्योंकि हमने जो assume किया था वो गलत assume किया था कि 6√5 जो है वो rational है, ये हमने गलत assume किया था। अगर ये हमने गलत assume किया था तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि 6√5, सो वी कंक्लूड दैट 6√5 इज इरेशनल।
ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट।